नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड की सीरीज में हम देखने वाले हैं कि अंडू और रीडू क्या होता है। एमएस वर्ड में अंडू और रीडू कैसे काम करता है, अंडू का मतलब क्या होता है और रीडू का मतलब क्या होता है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इसको प्रैक्टिकल रूप में हम देखेंगे, तो चलिए चलते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ एमएस वर्ड को। मेरे सामने मैंने ये एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। चलिए हम क्या करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट फाइल पे काम करते हैं। मैं यहाँ पे क्या है, इस फाइल लाइन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्या करूँ, अंडरलाइन कर दूँ। तो चलो मैंने अंडरलाइन कर दिया, लेकिन बाय मिस्टेक मैं क्या कर देता हूँ, स्पेस प्रेस कर दिया, तो इससे मेरी क्या हो गई, लाइन गायब हो गई। तो ये तो अब बहुत बड़ा काम हो गया कि अब इतनी सारी लाइन्स को मेरे को क्या करना होगा, वापिस से मेरे को लिखना पड़ेगा। अब या तो मैं मैन्युअली हाथ से टाइप करूं, तो ये तो बहुत लेंदी काम हो गया। तो अब इस काम को क्या करते हैं कि इस काम को वापस से लाने के लिए अपने पास क्या है, अंडू अंडू ऑप्शन है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर की साइड में आपको यहाँ पे ये जो एरो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडू, यानी कि जो काम अपन ने किया है, अगर वह उससे प्रीवियस काम अगर अपन को वापस लाना है, प्रीवियस वर्क अपन को वापस लाना है, तो अपन क्या करेंगे, अंडू पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे अंडू पे क्लिक कर दिया है। तो इस तरीके से अपना क्या हो गया है, जो काम गलती से बाय मिस्टेक से जो हमारे पास जो लाइन डिलीट हो गई थी या हट गई थी, वो लाइन क्या हो गई है, हमारे पास वापस आ गई है एज इट इज। मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो अंडरलाइन की थी ये भी हटा दूँ, तो इसके लिए भी क्या करूँगा, मैं यहाँ से अंडू कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से मेरी लाइन हट गई है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है, इसको भी मैं हटाऊं, या तो मैं मैनुअली हटाऊं क्लिक करके, या फिर नहीं मैं तो वापस से अंडू ही करूं। तो मैं ये देखिए अंडू हो गया। अब इससे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, तो ये देखिए इसको भी मैंने कर रखा है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अंडू का हेल्प से हम जो प्रीवियस काम हमने किया है उसको ला सकते हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा अंडू के जस्ट पास में यहाँ पे एक डाउन एरो है, तो इसको क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या ऑप्शंस होते हैं अंडू से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे अंडू से रिलेटेड ये सारे ऑप्शन है कि जितने भी हमने प्रीवियस टास्क टास्क हमने परफॉर्म किए थे, वो सारे यहाँ पे इसकी लिस्ट दे रखी है सीरियल वाइज, कि हमने किस के बाद कौन सा टास्क हमने परफॉर्म किया था। जैसे देखिए यहाँ पे ये सारे टास्क हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, इस ये सारे टास्क हमने सिक्वेंस बाय सिक्वेंस हमने यहाँ पे किया है। अब हम जानते हैं कि इस अंडू की शॉर्टकट की क्या है, तो इस अंडू की शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप रखते हैं थोड़ी देर माउस को इस एरो पे, तो आपको दिखाई दे रही है कंट्रोल जेड, यानी कि हमने जो ये काम किया है ये काम हम किसकी मदद से, कंट्रोल जेड, यानी कि हम बार बार यहाँ पे जाके क्लिक नहीं करें, हम सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड की मदद से भी हम इस काम को हम कर सकते हैं। जैसे इसकी क्या है, सीटी अलाइट कंट्रोल जेड, ये इसकी क्या है, शॉर्टकट की है। इसको मैं बोल कर देता हूं, ये इसकी क्या है, शॉर्टकट की है। तो चलिए अपन शॉर्टकट की मदद से भी हम इसको समझते हैं कैसे काम करती है। तो देखिए मैंने अभी इसको टाइप किया था, तो अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं हटाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा। तो ये देखिए मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया, जैसे जैसे मैंने काम किया है ये वैसे वैसे पीछे प्रीवियस जो काम किया है वैसे वैसे ये जा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैंने जो टाइप किया था ये वापस से आ जाए। अब मैं चाहता हूं कि ये काम किया, अभी मैंने इसको कंट्रोल जेड कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो काम किया है ये वापस आ जाए, यानी कि इस काम को मैं क्या कर दूं, रीडू कर दूं। रीडू का मतलब ही यही है कि जो हमने अंडू किया है वो काम हमको वापस लाना है, तो वो क्या हो जाएगा, रीडू हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे और ये जस्ट इसके अपोजिट जो एरो दिखाई दे रही है, रीडू टाइपिंग कंट्रोल प्लस वाई इसकी शॉर्ट फॉर्म है या शॉर्टकट की है। तो इससे क्या है, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, देखिए ये आ गया है, फिर से मैं प्रेस करूंगा तो कंट्रोल का सी कैपिटल हो जाएगा, फिर से मैं करूंगा तो यहाँ पे प्लस जेड आ जाएगा, फिर से मैं इसको क्लिक करूंगा इस एरो पर, तो ये देखिए रीडू में हमारा जो कंट्रोल प्लस जेड था ये वापस से क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रीडू की भी हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए कि ये एरो जो चेंज हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके आगे हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहीं तक अपन ने काम किया था।
अब मैं चाहता हूं कि वापस से मैं इसको रिटर्न करूं, तो मैं वापस से यही सारा प्रोसेस वापस से मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड, यानी कि मैं अंडू करता रहूंगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से, अंडू और रिडू की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारा कोई भी काम या तो हमें अंडू करना होता है, यानी कि हमारे जो प्रीवियस हमें काम चाहिए होता है, हमने जो काम किया था, चाहे हमारा कोई लाइन डिलीट हो गया है, या हमें चाहते हैं कि नहीं हमें तो पहले वाला काम यानी पहले वाले जो वर्ड टाइप किए थे वही चाहिए, तो हम अंडू की मदद से कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमने अंडू कर दिया, नहीं हमें तो वो पहले अंडू किया है उनको हटा के हमें जो काम था वही चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, रीडू यानी कंट्रोल वाई कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम एमएस वर्ड में अंडू और रीडू कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम अपना काम आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों आप इस वीडियो के लिए फ्यूल जरूर भर दें, फ्यूल यानी आपके लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है हमें और नया कुछ करने का, और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपके कोई भी कमेंट है इस वीडियो से रिलेटेड, आप और आगे नेक्स्ट किस तरह के वीडियो चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।